डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास के इंग्लिश के पेपर में टेंस ट्रांसलेशन आती है, उर्दू फकरात दिए होते हैं, उनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो उसके लिए हम वोकेबलरी तैयार कर रहे हैं, उर्दू टू इंग्लिश वोकेबलरी। आज एक्सरसाइज नंबर 11 करते हैं। पहले मैं आपको अल्फाज दिखाऊँगा, उर्दू के अल्फाज पहले आप ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको उन अल्फाज की इंग्लिश ट्रांसलेशन बताऊंगा, दिखाऊंगा। तो इस तरह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 11। फर्स्ट, वतन वापसी का इंतज़ार करना। जी, वेट फॉर रिटर्न होम, यानी ये जो आपकी जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो बुक है वहाँ पर जो लिखा हुआ है, वेट फॉर रिटर्न होम। बेगुनाह, जैसे बेगुनाह अफराद, बेगुनाह लोग, इनोसेंट। नेक्स्ट, वोट डालना। कास्ट वोट, कास्ट की यही फॉर्म्स होती हैं, कास्ट कास्ट कास्ट। जहाज को समुंदर में उतारना। जहाज को समुंदर में उतारना, लॉन्च द शिप इन द रिवर। जी, लॉन्च होता है उतारना जहाज के लिए, ये लफ्ज़ यूज जहाज के लिए, जहाज को जो शिप जो होता है शिप के लिए, लॉन्च लॉन्च द शिप इन द रिवर। जैन कसना, जैसे घोड़े की जैन कंस रहा है, जैन कसना सैडल। सैडल जैन नाउन के तौर पर भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर आपने इसको वर्ब के तौर पर यूज करना है, जैन कसना सैडल। बे टिकट मुसाफर, जिनके पास टिकट ना हो, टिकट लेस पैसेंजर, यानी मुसाफिर जिसके पास टिकट ना हो। नेक्स्ट, अजहारे हमदर्दी करना, सिंपथाइज। हमदर्दी करना के लिए भी सिंपथाइज, इजहारे हमदर्दी करना के लिए भी आपने ये वर्ब यूज करना है, सिंपथाइज। नेक्स्ट, माजूर, क्रिपल्ड डिसेबल्ड। घोड़े को नाल लगाना, घोड़े के नाल बांधना। शू द हॉर्स, यानी घोड़े के जो पांव होते हैं, जो खुर होते हैं, जो वहाँ पर वो लोहे के हम वो नीचे लगाते हैं कीलों की मदद से, तो उसे कहते हैं ना लगाना, शू द हॉर्स। शू को वर्ब के तौर पर, शू शूड शूड, डी इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डी का इजाफा करेंगे। दाना और भूसा अलग करना। दाना और भूसा अलग करना, सेपरेट द ग्रेन एंड द चैफ। सेपरेट द ग्रेन एंड द चैफ। मुसाफिरों को उतारना, उतारना होता है ड्रॉप, ड्रॉप द पैसेंजर्स। नेक्स्ट देखते हैं, कानून साज असेंबली, कानून बनाने वाली असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर मुंतखब करना,
elect member, elect elect member. आवारा कुत्ते को जहर देना. Poison the stray dog. Poison जहर देना होता है वर्ब के तौर पर. Poison the stray dog. चोर बाजारी करना. Sell in black. जैसे वो चोर बाजारी करते हुए पकड़ा गया, ब्लैक में बेचते हुए पकड़ा गया. सेल इन ब्लैक. हथकड़ी लगाना. जैसे मुजरम को हथकड़ी लगा दी गई. हथकड़ी लगाना, हैंड कफ. सी यू डबल एफ ई डी, हैंड कफ वर्ब के तौर पर यह यूज हुआ है. तो सेकंड फॉर्म इस और थर्ड फॉर्म जो है उसके बाद ईडी का इजाफा करेंगे. गले में खराश के मुतालक बताना. इनफॉर्म ऑफ द सोर थ्रोट. सोर थ्रोट, गले में खराश के मुतालक बताना. इनफॉर्म ऑफ द सोर थ्रोट. रात होने से पहले. Before it was night. लड़ाई होने से पहले. Before the fight took place. सारा फल चुनना. Pick all the fruit. लोगों को खबर होने से पहले. Before the people came to know of it. खत पर टिकट लगाना. स्टैम्प द लेटर. स्टैम्प का मतलब होता है टिकट लगाना. स्टैम्प द लेटर. मुंशी हांक कर लाना. ड्राइव बैक द कैटल. तश्तरियां साफ करना. क्लीन द डिशेस. नाश्ता लगाने से पहले. बिफोर सर्विंग द ब्रेकफास्ट. नक्शा उतारना. Take off the map or remove the map. दीवार पर कील गाड़ना. Drive a nail into the wall. Drive a nail into the wall. जाल बिछाना. Set the net. ईंटें पकाना. Fire the bricks. जंग लड़ना.
फाइट अ बैटल। ओके, इस तरह ये 30 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। यकीनन आपके कुछ गलत भी होंगे, रॉन्ग हुए होंगे, तो दोबारा सुने ताकि इन अल्फाज की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो आपकी तैयार हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।